हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाइनएप्पल मोहितो। ये बनाने में बहुत ही इजी है और इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा होता है। आप लोग इसको गर्मी के मौसम में भी बना सकते हैं और अगर घर में कोई पार्टी हो या कोई गेस्ट आए तो भी आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। पाइनएप्पल का मोहितो बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडिंग जार में पाइनएप्पल का पीसेस ले लेंगे। मैंने यहाँ पे आधा मीडियम साइज का पाइनएप्पल इस्तेमाल किया हूँ और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं प्लेट में जो पाइनएप्पल रखा हुआ है उसका ही आधा पोर्शन यूज़ किया है मैंने मोहितो बनाने के लिए। उसके बाद 4 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच चीनी यूज़ किया हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो पाइनएप्पल यूज़ किया हो वो एकदम फीका था, उसमें स्वीटनेस नहीं था। उसके बाद 1/4 छोटी चम्मच काला नमक, 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने ब्लेंड कर लिया, अब इसको छान लेंगे स्ट्रेनर से। एक बोल ले लेंगे और जो जूस बनाई थी वो डाल देंगे। अब चाहे तो बिना छान के भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने छान लिया क्योंकि छानने से ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा होता है। तो ये रेडी हो गया है, अब मैं इसको सर्व कर दूंगी। इसके लिए मैं 2 सर्विंग ग्लास ले लिया है, अब मैं उसमें आइस क्यूब डाल दूंगी। एक या 2 स्लाइस किया हुआ नींबू डाल दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाल दूंगी। पत्तों को मैंने पहले से धोकर रखी थी और आप लोग चाहे तो पत्तों को क्रश करके भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें जूस डाल दूंगी। जूस को पूरा मत डालिए, मैंने यहाँ पे 1/2 ग्लास से थोड़ा सा कम यूज किया है। उसके बाद प्लेन सोडा डाल दूंगी, आप लोग किसी ब्रांड का भी सोडा वाटर यूज कर सकते हैं। स्पून से मिला दें। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल की स्लाइसेस और पुदीना पत्ता से सर्व करूंगी ताकि ये देखने में पूरा रेस्टोरेंट जैसा लगे। अब ऊपर में थोड़ी सी पाइनएप्पल की छोटे छोटे पीसेस डाल दूंगी। तो आपके रेस्टोरेंट स्टाइल पाइनएप्पल मोहितो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीडियो में। टिल देन, ईट गुड, फील गुड, बाय।